मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट कर्व जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब जगह काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन वाले कर्व यानी लीनियर कर्व, लीनियर कर्व। इसके अंदर आपके पास कुछ अलग-अलग तरह के कर्व एक साथ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये जो कर्व होता है जो ओरिजिन से जा रहा है, ये होता है वाई इक्वल टू एम एक्स, और यहां पर एम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर? और ये जो कर्व होता है जो इस तरह से ओरिजिन से जा रहा है, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, यानी स्लोप आपके पास क्या है यहां पर? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ये जो आपके पास है ये है एक्सेस। कौन सी एक्सेस है? ये वाई एक्सेस। और ये एक्सेस कौन सी है आपके पास? एक्स एक्सेस। क्लियर है? एक एक्स एक्सेस है, दूसरी वाई एक्सेस है। अब आगे अगर मैंने ये कर्व यहां से ले लिया तो इस कर्व का नाम क्या होगा? इस कर्व का नाम होगा आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर मैंने यहां से ले लिया प्लस होगा या माइनस होगा? ये कैसे पता लगाएंगे कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है या y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है? देखो, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो वाई इक्वल टू प्लस एम एक्स होगा, लेकिन होगा यहां पर ये माइनस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि स्लोप आपके पास क्या है? नेगेटिव। मैं फिर इसको थोड़ा सफाई से लिख रहा हूं। ये होगा आपके लिए वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्लोप नेगेटिव है। ये क्या होगा इस जगह? वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। क्लियर है? अब अगर ये इस तरह से कर्व बना रहे हो आप, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, y इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि c पॉजिटिव है। c यहां पर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट बिट ऑन द y एक्सिस। और अगर ये इक्वेशन आपके पास इस तरह से आती है तो यहां होगा वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्योंकि वाई को ये नेगेटिव पॉइंट पे काट रही है। तो कुल मिला के आपने कितनी कितनी इक्वेशंस पढ़ ली? सिक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स सी, और ये क्लियर है? लिखें इसको। कुछ खास पॉइंट्स जो आपके साथ मैं फिर शेयर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये तीन अलग अलग लाइन है, मान लीजिए ये इक्वल टू वाई एम वन एक्स एम टू एक्स एम थ्री एक्स। एक एम वन है, एक एम टू है, एक एम थ्री है। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? एम थ्री का। तो इससे क्या पता चल रहा है? एम वन ग्रेटर देन एम टू, एम टू ग्रेटर देन एम थ्री। तो जो लाइन ज्यादा थीटा पे है उसके लिए स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? लिखें इसको। अगला है हमारे लिए हाइपरबोला कर्व। तो ये किस तरह से हमारे लिए आएगा? ये हमारे पास एक्स एक्सेस, ये हमारे पास वाई एक्सेस। समझ में आ रहा? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस तरह से मान लीजिए हमारे को तीन कर्व दिए गए, एक दो तीन, इस तरह से। तो ये मान लीजिए y प्रोपोर्शनल वन अपॉन एक्स है, y प्रोपोर्शनल वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y प्रोपोर्शनल वन अपॉन एक्स क्यूब। तो
तो जितना ज्यादा पावर होती जाएगी उतना तेजी से वो गिरेगा, इज दैट क्लियर, नीचे की तरफ। अगर यही हाइपरबोला है तो हमारे को अगला कौन सा लेना पड़ेगा, पैराबोला। तो पैराबोला में क्या होगा, मान लीजिए ये है वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वाई प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 4। तो जितना ज्यादा पास होगा उतना ही तेजी से ऊपर जाएगा, बस एक्स की वैल्यू पावर जो है वो 1 से बड़ी हुई होनी चाहिए। एक और कर्व आपका इंतजार कर रहा है, ध्यान से देखिए, वो है इस तरह से, जब भी पावर 1 से कम होगी कर्व की शेप इस तरह से आएगी। मान लीजिए ये एक्स की पावर वाई प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 1/2, y प्रोपोर्शनल यहां हमारे पास x की पावर 1/2 से थोड़ा सा बढ़ा कर दिया है, यानी कि हमने ले लिया 3/4, या y प्रोपोर्शनल हमने ले लिया 4/5। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी इस तरह से रहेगा, क्या मैंने सही बनाया, देखो। तो कुल मिला के आप बात समझिए, इन दोनों को मैं मिला रहा हूं, इन दोनों तीनों को मैं मिला रहा हूं, समझना कैसे मिला रहा हूं मैं तीनों को। सबसे पहले एक वाई की पावर हम माइनस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस। तो कर्व किस तरह से होगा, इस तरह से, यानी वाई प्रोपोर्शनल एक्स की पावर -1, यानी नेगेटिव जब भी होगा यही होगा। -1 से कहां तक जाओगे आप, 0। तो कर्व इस तरह से होगा, वाई प्रोपोर्शनल नहीं एक्स आ जाएगा, +1 आ जाएगा आपके पास, सही है। और अगर वाई प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 0 हो जाएगा तो वाई कांस्टेंट आएगा, तो ये चीज इस तरह से आएगी। तो 0 हो गया, माइनस हो गया, +1 हो गया, बोलो यस और नो। अब +1 में भी दो रेंज है, एक 0 से +1 और एक +1 से इनफाइनाइट के बीच में। तो 0 से +1 के बीच में ये कर्व ऐसे जाएगा, वाई प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 1/2, और 0 से 1 से इनफाइनाइट के लिए वाई प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 2। इस तरह से बहुत सारे कर्व आपको देखने पड़ेंगे, यानी नेगेटिव 0, पॉजिटिव लेकिन 1 से छोटा, पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 1 से बड़ा। शेप वाइज हमारे पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, लिखिए इन सबको। हम कुछ और कर्व भी देखते हैं, जैसे ये हमारे लिए हो गया वाई एक्सेस, ये हमारे लिए हो गया एक्स एक्सेस, और हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारा था वाई इक्वल टू किसका था, वाई प्रोपोर्शनल 1/x का, सही है, एक्स बढ़ेगा वाई कम होगा। लेकिन अगर कर्व ऐसे स्टार्ट हो, जनरली इस पॉइंट पर टच करे वाई को, या हो सकता है आपको ये वाला क्वाड्रेंट में नहीं बना हुआ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और ये में अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट में गया, ये एक फिजिबल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इनफाइनाइट में गया, ये है वाई प्रोपोर्शनल ई की पावर -x, या कोई भी कांस्टेंट ए की पावर -x, इस तरह का। तो ये कर्व का शेप आएगा, अगर यही चीज प्लस होती तो ये कर्व ऐसे जा रहा होता। तो ये हो गया वाई प्रोपोर्शनल ई की पावर +x, या आप मान सकते हो कोई भी कांस्टेंट, ई की वैल्यू तो फिक्स है 2 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 की पावर x कुछ भी हो सकता है, उनके कर्व इस तरह से जाएंगे।
तो यहां हमारे पास ये है, कोई डाउट? ये वाला पॉइंट कहां सा होगा? ये देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी? यहां पर कुछ भी हो, वाई हमेशा क्या रहेगा? वन। तो ये हमेशा आपके लिए 0,1 होगा। तो यहां अगर आपको कभी ऐसा कोई कर्व दे दिया जाए हाइपोथेटिकली कि y इक्वल टू के ई की पावर माइनस एक्स का बनाओ, तो कर्व ऐसे जाएगा और ये जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स, तो ये हो जाएगा 0,k, क्योंकि ये k आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। इज दैट क्लियर? तो ये होगा 0,k कोऑर्डिनेट। बाकी अगर यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है, या मैंने प्रोपोर्शनल दे रखा था, इक्वल नहीं दे रखा था, आप बात को समझो, तो जरूरी नहीं है कि ये 1 ही हो, लेकिन अगर मैंने इक्वल दे दिया तो अब ये 1 हो जाएगा। बात की गंभीरता को समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, प्रोपोर्शनल दिया है या इक्वल दिया है, उसमें फर्क पड़ेगा। ये सारे कर्व हो गए आपके पास बहुत आसानी से। नेक्स्ट, कुछ इस तरह के भी कर्व होते हैं। जिसके अंदर ये वाई एक्सेस है, यहां हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये है वाई प्रोपोर्शनल लॉग एक्स। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमारे पास ये उठेगा, अब आप मेरे को बताइए वाई इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू आप जीरो रख सकते हो क्या? नहीं। जीरो से कम रख सकते हो क्या? नहीं। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू आपका यहाँ पर लॉग 10 है और 10 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपने 1 रख दी तो 0। तो ये अगर आपके पास इक्वल है तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास बनेगा 1,0। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारे पास इस तरह का पॉइंट। नेक्स्ट, कुछ मिक्स कर भी आते हैं, जैसे वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ऐसे कर्व काफी खतरनाक होते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो जब आप एक्स की वैल्यू यहां पर इस जगह जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? जीरो। तो इसकी वजह से y जीरो हो रहा है, ना कि यहां e की पावर माइनस एक्स की वजह से। तो यानी शुरुआत में ये डोमिनेट करेगा, लेकिन जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, जबकि ये नहीं होगा। तो इस वाले फैक्टर की वजह से ये जीरो हो रहा है, यानी बाद में ये डोमिनेट करेगा। तो शुरुआत में तो ये इसकी वजह से ये कर्व ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा, और इसकी वजह से माइनस एक्स ऐसे होना चाहिए था। तो फाइनली क्योंकि दोनों एक साथ हैं, तो मेरा एग्जैक्ट कर्व कैसा बनेगा? मेरा एग्जैक्ट कर्व होगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? ये ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे जा रहा है, और फिर बाद में ई के पावर माइनस एक्स। तो यहां आपके पास प्रोपोर्शनल एक्स चल रहा है और यहां प्रोपोर्शनल माइनस एक्स वाला कर्व बनेगा। यहां और भी बन सकते थे, ये जितने भी कर्व हैं जो ये इस तरह से शेप ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहां पर पावर बड़ी हो जाती या छोटी हो जाती तो उससे क्या फर्क पड़ता?
एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स है, तो ये इस तरह से जाता और फिर यूं निकलता, और ये पावर अगर टू से, माइनस नहीं, टू से कम होती तो ये इस तरह से लेता। ये ऐसे बनता, ये हो जाता वाई प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स, यानी स्लोप का ये इस तरह से उठा है, वो इस तरह से उठता। लिखें इसको।